आज मैंने सब्जियों की मैगी ट्राई की। ये मैगी को एक अलग सा ट्विस्ट था, तो इसके लिए मैंने सब्जियां काट ली, जिसमें गाजर, मटर, गोभी, प्याज, आलू। फिर हमने क्या करना है, कढ़ाई में तेल गरम करना है। तेल अच्छे से गरम करना है, उसके बाद हमने इसमें कटे हुए प्याज डाल देने हैं। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। फिर हमने इसमें सब्जी जो कटी थी हमारी, गोभी, गाजर, आलू और स्लिट की हुई 5 से 6 साबुत हरी मिर्च, ये हमने कढ़ाई में डाल दी। सब्जियों को गलाने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा और साथ में थोड़ा सा नमक। वैसे तो मैगी का अपना मसाला होता है जो इसके प्रोपोर्शन के लिए ठीक है, बट हम इसमें सब्जी डाल रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक जरूर डाल दें। ढककर उसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हमें पकाना है ताकि सब्जी जो हमारी गल जाए। फिर हम उसमें अच्छे से हिला के देख लेंगे कि सब्जी हमारी अच्छे से गल गई है कि नहीं। फिर हमने इसमें 6 कप पानी डालना है, क्योंकि मैंने 4 पैकेट जो है 4 पीसेस मैगी के बनाने हैं, तो उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें 6 कप पानी डालना पड़ेगा। साथ ही मैंने इसमें जो 4 पाउचेस थे मसाले के, मैगी मसाले के, वो काट के डाल दिए हैं। इसको ढक के रख दें ताकि ये पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। देखिए पानी उबलने लग गया है मैगी मसाले वाला, तो इसमें अब हम तोड़ के मैगी के जो पीसेस हैं वो डाल देंगे और इसको हम हिला देंगे। हल्के हल्के हाथों से हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना है। तो हमने इसको मिला दिया सब मैगी के पीसेस को मसालों के साथ। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिला देना है। बस हमें इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ेगा। आपको तो पता ही है मैगी सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है, बट नहीं, 2 से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि पानी सूख गया है और मैगी भी हमारी गल गई है। फिर हमें इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल देना है और फिर इसको ऐसे सर्व कर दें। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये मैगी।